आगरा में पूर्व में एक ऐसा गैंग था जिसने घटनाएं की थी, उस गैंग से जुड़े हुए कुछ अपराधी जो हरियाणा बेस्ड है, उसमें एक प्रमुख अपराधी विनोद नाम से है और 2016 में भी एक यहाँ की चांदी व्यवसायी पर हमला किया गया था। उनके कुछ तार यहाँ से जुड़े हुए थे क्योंकि कभी न कभी वो आगरा जेल में रहे, उन जेल में मिलने वाले उनके साथ के कुछ अपराधी थे और कुछ यहाँ के अपराधी मानसिकता वाले लड़के जो किसी न किसी उद्योग में कहीं ना कहीं कुछ काम जिन्होंने किया, सूचनाएं विकसित करी और इस गैंग के साथ साझा करी। उसी के क्रम में 2018 में आज दीपावली से कुछ दिन पहले तीन प्रमुख उद्योगपतियों को शॉर्टलिस्ट करके उनके यहाँ बड़ी वारदात करने की एक एक योजना बनाई गई। चूंकि डिस्ट्रिक्ट द्वारा इधर इन 10 दिनों के लिए अत्यंत विशेष व्यवस्था की गई थी, आप देख सकते हैं शहर के सारे सर्राफा मार्केट हों उनमें भी भारी पुलिस व्यवस्था की गई है। उसी क्रम में अपराधियों पर, जो पुराने अपराधी थे उन पर भी हम लोग लगातार देख रहे थे कि ये कहीं कोई दोबारा घटना ना कर दें। टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक इनपुट डेवलप किया जिससे हमको ये शक हुआ कि कुछ अपराधी जरूर यहाँ पर बड़ा करना चाह रहे हैं। ये पूरी तरीके से मुखबिर से मैनुअल इन्फॉर्मेशन जो हमको मिली वो सटीक पाई गई, उसको विकसित किया गया, डेवलप किया गया, कई उसमें एस्पेक्ट्स जुड़े और हमको ये समझ में आया कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में मथुरा, हाथरस और आगरा, इन पांच जगहों से आने वाले अपराधी यहाँ पर किसी बड़ी घटना को 100% अंजाम देने की योजना बना चुके हैं। ऐसे में जरूरी हो गया इनका चिन्हीकरण और इनके खिलाफ समय रहते कार्रवाई। हमने जो भी कंसर्न पीड़ित पक्ष में था उसमें उनको उनके यहाँ अच्छी पुलिस व्यवस्था करी कि ताकि किसी भी स्थिति में उनके यहाँ कोई भी घटना ना होने पाए। घटना में घर में घुसकर के डकैती और अपहरण दोनों योजनाएं हमारी शुरुआत में समझ में आई कि हो सकती हैं और हमारा शक सही निकला और जो अभिसूचना हमको मिली कल उसी पे हमने दिन भर टीम लगी रही, जगह जगह पर ढूंढती रही इनको और समय शाम को के बाद फिर हमको लगा कि आज ये या कल में घटना होनी है। पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, पांच में से तीन मथुरा, दो आगरा के हैं। जो हरियाणा से जिनको आना था किसी कारणवश उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ, जब हरियाणा के व्यक्ति का कैंसिल हुआ तो राजस्थान के भी व्यक्ति नहीं आए ये मानते हुए कि घटना अभी एक दो दिन बाद और करेंगे। यहाँ के जो पांच थे उन्होंने काफ़ी रेकी करी थी और रेकी करने के बाद उन्होंने एक पूरा लगभग प्लान बना लिया था, उनके पास संसाधन भी आ गए थे, वेपन भी थे उनके पास, भारी मात्रा में कारतूस थे और एक जो व्यक्ति के साथ घटना करनी थी उसका कार्यालय, फैक्ट्री, घर सब देख लिया था। तो ऐसे में जो ग्रुप यहाँ पर था उन्होंने सोचा कि इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। जब वो घटना अंजाम देने जा रहे थे पुलिस टीम ने उनको पकड़ लिया और ये सारी बरामदगी